तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, ए भारत में अनेक जातियां हैं, बी भारत में अनेकों जातियां हैं, सी भारत में अनेकों जाति है, और डी भारत में अनेक जाति है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति एक के अतिरिक्त और भी लोगों की प्रतिभाव रखता है तो कहलाता है, ए संचारी भाव, बी अनुभाव, सी स्थायी भाव, और डी व्यभिचारी भाव। ऑप्शन डी सही होगा, व्यभिचारी भाव। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन, और डी पूरण सिंह। ऑप्शन सी सही होगा, पंचानन। चौथा क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ए मीन केतु, बी कांतर, सी माधवानी, और डी महादेव। ऑप्शन ए सही होगा, मीन केतु। पांचवा क्वेश्चन है, सामंजस्य का विलोम शब्द है, ए कलह, बी विवाद, सी सत्ताप, और डी दृश। ऑप्शन बी सही होगा, विवाद। छठा क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, ए विग्रह, बी विस्तार, सी संक्षेप, और डी विक्षेप। तो ऑप्शन सी सही होगा, संक्षेप। सातवां क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, ए अव्यय, बी संधि, सी छंद, और डी समास। तो ऑप्शन डी सही होगा, समास। आठवां क्वेश्चन, जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे कहते हैं, ए आश्रय लावेन, बी विश्वालावेन, सी दीपम, और डी अनुभाव। तो ऑप्शन बी सही होगा, विश्वालेवन। नवा क्वेश्चन, गाय का पर्यायवाची शब्द है, ए सुरभि है, बी शाखा मग है, सी कुश है, और डी शाद है। तो ऑप्शन ए सही होगा, सुरभि। दसवां क्वेश्चन, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए निशाचर, बी राक्षस, सी समुचित, और डी रजनीचर। ऑप्शन सी सही होगा, समुचित। ग्यारहवां क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व उत्तर पद के विशेष और विशेष संबंध हो कहलाता है, ए द्रव्य समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विंद समास, और डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही होगा, कर्मधारय समास। बारहवां क्वेश्चन, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं विषय को देखकर आश्रय के दिल में जागृत होते हैं कहलाते हैं, ए विभाव, बी अनुभाव, सी स्थायी भाव, और डी संचारी भाव। इसका सही ऑप्शन सी होगा, स्थायी भाव। तेरहवां क्वेश्चन, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वह है, ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास, और डी तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए सही होगा, बहुव्रीहि समास। चौदहवां क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है, ए नाभादास, बी जायसी, सी केशवदास, और डी तुलसीदास। ऑप्शन बी सही होगा, जायसी। पंद्रहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है, ए कुमारी, बी त्रिलोक, सी देवाशूर, और डी यथाइष्ट। ऑप्शन डी सही होगा, यथाइष्ट। सोलहवां क्वेश्चन, चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए रजनीचर, बी मूषक, सी जाया, और डी खनक। ऑप्शन सी सही होगा, जाया। सत्रहवां क्वेश्चन, चांदी का पर्यायवाची शब्द है, ए अन्वेषण, बी शोध, सी गन्वेषण, और डी चंद्रहास। तो ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रहास। चांदी का पर्यायवाची शब्द होता है, चंद्रहास। अठारहवां क्वेश्चन है, डायरी में से किसकी आत्मकथा है, डायरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है, ए बाबू गुलाब राय, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सुभाष चंद्र बोस, और डी रामविलास शुक्ल। तो ऑप्शन बी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। उन्नीसवां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्न कांत में से क्या है, ए कहानी, बी नाटक, सी खंडकाव्य, और डी उपन्यास। ऑप्शन बी सही होगा, नाटक। बीसवां क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए पताका, बी सुधांशु, सी सुधाकर, और डी राशि। तो ऑप्शन ए सही होगा, पताका। इक्कीसवां क्वेश्चन, निशाचर में कौन सा समास है, ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय,
शीदृघ और डी बहुग्रह। तो ऑप्शन डी सही होगा, बहुग्रह। 22वां क्वेश्चन देखें, वे भाव हमारे मन में पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और फूटते रहते हैं कहलाते हैं, ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव और डी स्थायी भाव। ऑप्शन सी सही होगा, संचारी भाव। 23वां क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय, ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी अव्ययी भाव। ऑप्शन ए सही है, कर्मधारय समास। 24वां क्वेश्चन है, निः प्लस विकार क्या होगा, ए निर्विकार, बी निःवकार, सी निर्विकार और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, निर्विकार। 25वां क्वेश्चन, गो प्लस ईश बराबर क्या होगा, ए गईश, बी गविश, सी गोईश और डी गोवीश। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, गविश। 26वां है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है, ए जलयान, बी प्रस्तर, सी सरोवर और डी इला। ऑप्शन सी सही होगा, सरोवर। 27वां क्वेश्चन, नी प्लस ठुर बराबर क्या होगा, ए निठुर, बी निकठुर, सी निष्ठुर और डी निष्ठुर। तो ऑप्शन डी सही होगा, निष्ठुर। 28वां है, कवि बिहारी मुक्त किस रस के कवि हैं, ए करुणा, बी वीर, सी श्रृंगार और डी भक्ति। तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रृंगार। 29वां क्वेश्चन है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, ए यासव, बी अतुल, सी सहकार और डी स्प्रद। तो ऑप्शन बी सही है, अतुल। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अतुल होगा। ये है 30वां क्वेश्चन, ताम्रस का पर्यायवाची शब्द है, ताम्रस का पर्यायवाची शब्द है ए कमल, बी भत्सर्ण, सी संपदा और डी वामा। तो ऑप्शन ए सही है, कमल। 33वां क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए है, बी अखाड़ा, सी घोटक और डी संधव। तो ऑप्शन बी सही होगा, अखाड़ा। 32वां क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए वन, बी विपिन, सी सरासन और डी अरण्य। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा, सरासन। 33वां क्वेश्चन है, झरना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए तृण, बी स्रोत, सी निर्झर और डी उत्स। तो ऑप्शन ए सही होगा, तृण। शांत रस का स्थायी भाव, 34वां क्वेश्चन, ए उत्साह, बी निर्वेद, सी जुगुप्सा और डी हास। तो शांत रस का स्थायी भाव सभी जानते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, निर्वेद। 35वां क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए भागीरथी, बी सूर सरिता, सी भागीरथ और डी यदुनंदन। तो ऑप्शन डी यदुनंदन सही होगा, क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 36वां क्वेश्चन, रस का शाब्दिक अर्थ है, ए आभूषण, बी रोशनी, सी आनंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, आनंद। 37वां क्वेश्चन, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए गणपति, बी लंबोदर, सी गजानन, डी चंद्रहास। तो ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रहास। 38वां क्वेश्चन है, काक का पर्यायवाची शब्द है, काक का पर्यायवाची शब्द है ए किन्नर, किन्नरेश, बी वायस, सी उम्दा और डी सूर। ऑप्शन बी सही होगा, वायस। काक का पर्यायवाची शब्द वायस होगा। 39वां क्वेश्चन देखिए, कृपा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए दया, बी इंदिवर, सी अनुग्रह और डी अनुकंपा। तो ऑप्शन बी सही होगा, इंदिवर। 40वां क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या है, ए 33, बी 34, सी 35 और डी 36। तो ऑप्शन ए सही होगा, 33। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। 41वां क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है ए रसार, बी पीक बंधु, सी अनकिनी और डी सुरभोग। तो ऑप्शन डी सही होगा, सुरभोग। 42वां क्वेश्चन है, रवग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए परवेरु, बी विहग, सी करठ, डी विहंग। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।